Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. Today's video is going to be a very glowing makeup based video along with these glamorous eyes. I really love this combination of a very fine dewy makeup base along with beautiful eye makeup, and this particular look goes well even if you're a beginner or you have a lot of makeup knowledge already. Not a problem, suits all type of people. Before moving forward, you need to make sure aap mere channel ko subscribe karo and also uske saath pe bell ka button hoga, usko bhi tap karo so that whenever I post videos, you are the first one to get notified. And without any further ado, let's get into the video. मैं स्टार्ट करूँगी अपने फेस को थोड़ा सा फ्रेशनेस देने से यूजिंग माई फेवरेट टोनर. दिस इज़ फ्रॉम जस्ट हर्ब्स एंड मैं थोड़ा सा इसको स्प्रे कर लूँगी. इट गिव्स अ वेरी इंस्टेंट लिफ्ट टू माई स्किन एंड आई फील टोनर या फिर मिस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस देता है और आपके पोर्स को लॉक करता है, जिससे कि आपका मेकअप बहुत ही फ्रेश एंड फ्लॉलेस लगता है एंड दैट इज समथिंग वी रियली वॉन्ट. मूविंग टू द सेकेंड स्टेप, आई एम गोइंग टू यूज माई मॉइस्चराइजर एंड दिस वन्स फ्रॉम लैक्मे. It is the Lakme Peach Milk Moisturizer and I literally love this product a lot. हमेशा अपने मॉइस्चराइजर को गुड 5 to 10 मिनट्स के लिए अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए, तभी आपकी स्किन उसका मैक्सिमम एडवांटेज उठा पाएगी और आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस होगा. सो एम गोना लीव माई मॉइस्चराइजर ऑन फॉर गुड 5 to 10 मिनट्स. मूविंग टू आर नेक्स्ट स्टेप, आई एम गोना यूज़ अ प्राइमर. अगर आपको लगता है प्राइमर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. प्राइमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है, इतना करीब करीब ड्रॉप साइज का अमाउंट, एंड दिस इज़ इनफ. आपकी स्किन पे बहुत सारे ऐसे पोर्स होते हैं, अगर आप देख सकते हो ऐसे बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर्स होते हैं, और अगर आपको अपना मेकअप एकदम फ्लॉलेस रखना है सो यू नीड टू मेक श्योर यू अप्लाई प्राइमर. इससे आपका बेस बहुत ही फ्लॉलेस होगा. सो एम गोना जस्ट वॉर्म इट अ लिटल अपने पाम के पीछे एंड एम गोना जेंटली अप्लाई इट ऑल ओवर माई टी जोन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मेरी स्किन पे थोड़ा सा यहाँ पे इम्परफेक्शंस है अंडर माई आईज़ एंड अ लिटल बिट अराउंड हियर ऑन माई चीक एरिया. उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कलर बार का ये कंसीलर. इट्स द फुल कवरेज कंसीलर फ्रॉम कलर बार एंड दिस इज़ इन द शेड 002. ये मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है एंड आपको हमेशा अपने इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड ही लेना चाहिए. कंसीलर आई एम गोना जंप टू माई फाउंडेशन एंड आज मैं यूज़ करूँगी एले गर्ल प्रो कवरेज HD फाउंडेशन एंड मेरा शेड फेयर है. इसका 1 से 2 पंप के करीब मैं अपने हाथ के पीछे ले लूँगी कुछ इस तरीके से. हमेशा फाउंडेशन लगाने से पहले उसको अपने पाम के पीछे इस तरीके से वॉर्म करना पड़ता है, इससे आपका प्रोडक्ट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है. मैं अपने पूरे फेस पर डॉट्स लगा दूँगी. ईयर्स और नेक एरिया को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, इससे आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अनइवन लगता है. आपका फेस का कलर कुछ और आपके नेक का कुछ और लगता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. बिफोर ब्लेंडिंग, सिंस ये मेकअप बहुत ही ग्लोई रखना है हमें, तो मैं इसी मिस्ट को जो मैंने पहले यूज़ किया था थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ. ज़्यादा कवरेज के लिए यूज़ करूँगी मैं कुछ इस तरीके का फाउंडेशन बफिंग ब्रश. Now it's time for some concealing और अब मैं यूज़ करूँगी एक lighter concealer and this one is in the shade cappuccino from sugar और इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा brightening चाहिए वहाँ पर लगा दूँगी. ऐसा अपने forehead पर, bridge of the nose, cupid's bow, chin और थोड़ा सा यहाँ पर.
my base, I'm going to use the MAC Studio Fix Compact in the shade NC25. Using this kind of a brush, a fluffy brush to blend it into my skin. I'm going to take some powder and I'm going to gently dab it all over my face. अंडर आई एरिया के लिए यूज़ करूँगी मैं कुछ इस तरीके का ब्रश एंड नाउ टेकिंग द सेम पाउडर आई एम गोना जेंटली डैब इट ऑल ओवर माय अंडर आई एरिया ताकि किसी भी तरीके की क्रीज ना हो यहाँ पर. मैं इसी पाउडर को थोड़ा सा अपनी आईलिड्स पर भी लगा लूँगी ताकि जो भी कंसीलर वहाँ लगाए वहाँ पर क्रीजिंग ना हो सके. एंड इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पर भी आप कंसीलर लगाओ उसको बहुत अच्छे से पाउडर से सेट करो ताकि वो कहीं पर भी मूव ना करे एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्रीजिंग. ब्रॉन्जर ब्लश और हाइलाइटर के लिए यूज़ करूँगी मैं ये पैलेट. दिस इज़ फ्रॉम शुगर. इट्स द विविड विक्ट्री पैलेट. आई रियली लव इट अ लॉट. हाइलाइटर मैं पहले अपने हाइलाइटर फैन ब्रश को उसी टोनर से थोड़ा सा वेट कर लूँगी ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा ग्लो आए मेरी स्किन पर. और यही हाइलाइटर जो इस पैलेट में है उसको पिक करके से आप खुद देख लीजिए हाइलाइटर लुक्स सो सो ग्लोइंग. मैं अप्लाई करूँगी अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे ब्रिज ऑफ माई नोज, टिप ऑफ माई नोज, क्यूपिड्स बो, चिन. ये पैलेट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बिकॉज आपको एक ही पैलेट में तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर. एंड वी आर डन विद द बेस. नाउ आई विल मूव टू माय आईज. आई मेकअप करने के लिए आज मैं यूज़ करूँगी टैन ब्यूटी का दिस इज़ ऑल आई नीड आई शैडो पैलेट. दिस इज़ अ वेरी नाइस पैलेट बिकॉज इसमें आपको लगभग सारे कलर्स मिलते हैं. आप देख सकते हैं कितना प्रिटी पैलेट है. एंड यही कलर लेकर अपने लोअर वाटर लाइन के पास भी लगा दूंगी. थोड़ा सा ये कलर स्मोक लूंगी एक छोटे ब्रश पर. नाउ इसको अपने आउटर एंड इनर कॉर्नर पे ही लगाऊंगी, सेंटर में नहीं, सिर्फ आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर. फ्लफी ब्रश की मदद से अच्छे से पूरी आई लुक को ब्लेंड कर दूंगी ताकि कहीं पर भी कोई हार्श लाइंस ना रहे. बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड आई शेडो बहुत अच्छा लगता है एंड आई पर्सनली लव ब्लेंडेड आई शेडोज अ लॉट. आई एम यूजिंग द सेम शेड स्मोक ऑन माय लोअर वाटर लाइन विद द सेम स्मॉल पॉइंटेड ब्रश. Using a very nice shimmery shade on my brow bone ताकि थोड़ा सा अच्छे से एकदम clarity आ जाए and it looks very very defined. For my eyebrows I'm using this pencil from Sugar. It is the Arch Arrival Brow Definer and the shade is 04 Feli Oni and this comes with a spoolie and मैं अच्छे से पहले अपने eyebrows को brush कर दूँगी. And this has a very nice rectangle tip, कुछ इस तरीके से. I'll start with filling my eyebrows in a very gentle manner. मैं बहुत natural रखूँगी, ज़्यादा harsh नहीं करूँगी. So using very soft hands, I'll start with my eyebrows. Lashes, I'm gonna use the Vega lash color to give them a little lift.
very nice lift, and now on top I'm adding the Hypo Curl Mascara by Maybelline. It is the waterproof variant. आप चाहो तो कोई भी mascara use कर सकते हो. Maybelline gives such a nice lift to my lashes. I really love other mascaras of mine I have from Benefit, from Too Faced, but this one is very very nice when it comes to the affordable range, and I don't need any false lashes I feel after putting on these because इनसे instant बहुत natural lift आ जाता है. And you can add falsies, but I'm gonna skip that today. Now starting with my lip color, I'm gonna use this pencil from Vicon, and it is in the shade light pink. I'm gonna line my lips using that. लिपस्टिक मैं यूज़ करूँगी मालविका सितलानी एक्स स्मैश बॉक्स रेंज, एंड द शेड आई एम गोना बी यूजिंग इट्स बेब अलर्ट. दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस पिंक कलर इन द शेड बेब अलर्ट. आई रियली लाइक इट अलॉट. Love this color so much. It is such a pretty pink color, and with my purple eyes I think pink goes the best. Thank you so much for watching this video till the end. We are finally done with the whole look, and I'm really satisfied with how this has turned into a very glowy look with a great combination of purple eyes and pink lips. My all-time favorite combination. I hope आपको भी ये video उतनी ही पसंद आएगी जितना मुझे इसे बनाने में मज़ा आया. Don't forget to mention in the comment box अगर आपको कुछ भी suggestions हैं, कुछ भी you want to share about the look, please feel free to share it in the comment section. And also इस video को like करना ना भूलें, और मेरे channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप मेरी इस beautiful सी family का part बन सकें. Apart from that, thank you so much for watching this video till the end. Please take care. Bye.